हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंपनी के बारे में। जैसे हम पहले लास्ट टॉपिक्स में देख चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस करने के कई तरीके होते हैं, ऐसे ही आज एक टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। उस कंपनी एक ऐसा फॉर्म है जिससे हम बिजनेस को एक ब्राइटर स्कूल में स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले कंपनी क्या है और किस तरह से क्रिएट होती है, कैसे बनते हैं और कुछ उसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं और किस टाइप की कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब कि बनावटी, कृत्रिम, हिंदी में कहते हैं कृत्रिम, इंग्लिश में कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जैसे हम आप नेचुरल पर्सन हैं, हमें नेचर ने बनाया, वैसे ही हमने कंपनी को बनाया है। इसलिए लॉ ने कंपनी को बनाया है, हम आपने मिलकर कंपनी को बनाया है, इसलिए कंपनी को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा कैरेक्टर होते हैं कि क्रिएटेड बाय लॉ होती है। कंपनी किससे क्रिएट होती है, लॉ से क्रिएट होती है, विधि से बनती है, विधि के द्वारा ही इसका निर्माण होता है और विधि के द्वारा ही इसका वाइंड अप यानी कि बंद होती है। तो कह सकते हैं कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है और कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ के साथ वाइंड अप विद लॉ है। ठीक है, देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स इसके और कुछ इसके डेफिनेशंस, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ये मैं आपको पहले डिस्क्लोज कर चुका हूं। कंपनी इज इन एसोसिएटेड पर्सन फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट, एक ऐसा एसोसिएटेड पर्सन है जो कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, जिससे हमें अपना कॉमन ऑब्जेक्ट फिल करना है। ओके, चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है, कंपनी का वाइंड अप विद लॉ है। देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टर्स। कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बिजनेस करने का एक तरीका है। कैरेक्टर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला कैरेक्टर्स आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड। जैसे मैंने कहा कि ये कोई एक ऐसा एसोसिएटेड है, ऐसा एसोसिएशन जो लॉ के द्वारा बना है। क्लियर, तो हम कह सकते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, एक ऐसा एसोसिएटेड जो कंपनी, ये कंपनी मतलब एक ऐसा एसोसिएशन जो लॉ के द्वारा है। ओके, दूसरा कैरेक्टर देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, देखो जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा बनाया गया है। यहाँ मैंने कुछ डायग्राम बनाया कि कंपनी है, उसके अंदर कुछ लोग काम कर रहे हैं, या ये पूरा जो चीज बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है, लॉ के द्वारा। इसका कुछ लीगल सेपरेट लीगल नेम होता है, हमारा आपका कैसा नाम होता है, ऐसे ही कंपनी का भी अपना सेपरेट नाम होता है, कंपनी का भी अपना सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का भी अपना सेपरेट आइडेंटिटी होता है। कंपनी भी अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी भी अपने नाम से किसी पर केस दायर कर सकती है, कंपनी भी अपने नाम से ही किसी पर शूट फायर कर सकती है। ओके, तो कह सकते हैं कंपनी का एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी होता है। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ एक अपने प्रेजेंट करने के लिए कॉमन सील रखती है, क्या रखती है, कॉमन सील मोहर। हम आपको अपना एक्सेप्टेशन देना हो तो क्या करते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं। अगर हमने कोई कंपनी से कोई डील किया है या कंपनी ने किसी और के साथ कोई एग्रीमेंट किया है, उसे अपना एक्सेप्टेशन देना है, उसे अपना एक्सेप्टेशन देना है, तो कहाँ से देगी, कैसे एग्रीमेंट शो करेगी, इज अ कॉमन सेल, यानी कि वो अपना मुहर उस पर फिक्स कर देगी, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर, इज अ लीगल सिग्नेचर ऑफ कंपनी, व्हाट इज अ कॉमन सेल। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं कंपनी का सेपरेट परपेचुअल सजेशन। परपेक्चुअल का मतलब ये है कि कंपनी में किसी डायरेक्टर के आने से, किसी डायरेक्टर के जाने से, किसी की डेथ हो जाने से या किसी के रुक जाने से कंपनी रुकती नहीं, कंपनी कंटिन्यू चलती रहती है। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कोई क्या हो जाता है, बीच में ब्रेक भी हो जाता है तो भी कंपनी थी, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ब्रेक हो जाता है, नया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आ जाएगा और कंपनी फिर से क्या हो जाएगी, कंटिन्यू रहेगी। कहने का मतलब है कि कंपनी परपेक्चुअल सिचुएशन में चलती रहती है, कंपनी रुकती नहीं, किसी के आने से, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेंज होने से, किसी एम्प्लॉय के चेंज होने से, किसी मैनेजमेंट के चेंज होने से कंपनी का एग्जिस्टिंग रुकता नहीं, इसलिए कहते हैं परपेक्चुअल सिचुएशन। कंपनी की लाइफ क्या होती है, लिमिटेड। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं, और अगर कंपनी को लॉस होता है तो कंपनी का लॉस आपको उतना ही बियर करना जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है। ओके, इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी की लाइफ क्या होती है, लिमिटेड होती है। क्लियर, इसका जो मैनेजमेंट होता है, जैसे मैंने कहा आपसे पहले कि कंपनी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट में काम करती है, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी में काम करती है और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है।
आर्टिफिशियल पर्सन उसके हाथ पैर बनेंगे, वो कोई नेचुरल पर्सन बनेंगे हम आपके जैसे, हम अपना प्रेजेंटेशन खुद दे देंगे। तो कंपनी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है या शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर देते हैं और ये लोग कंपनी को प्रेजेंट करके कंपनी के काम करते हैं। तो इससे कॉमन कैरेक्टर्स बन गया रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेजर। ओके, तो हमने क्या देखा बच्चों, ये देखा कि कंपनी के क्या है और कंपनी के कैरेक्टर्स क्या है। चलिए देखते हैं कंपनी के बेसिक दो कॉन्सेप्ट, एक प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में थोड़ा सा अंतर, थोड़ा क्या बहुत कुछ अंतर है, देखते हैं इस तरह के कुछ पॉइंट्स जो हमें ये बता सकें कि प्राइवेट कंपनी क्या है और पब्लिक कंपनी क्या है। इस पार्ट में देखते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। देखिए हम सबसे पहले प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें मेंबर्स कितने चाहिए, कम से कम 2 मेंबर और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 मेंबर, एम्प्लॉय को छोड़ के, इसको छोड़ के एम्प्लॉय को छोड़ के 200 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं। एम्प्लॉय कर्मचारी को आप कितने भी रख सकते हो, तो कर्मचारी को छोड़ दो, बाकी कंपनी जो लीगल मेंबर्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 200 और मिनिमम कितने होना चाहिए 2 मेंबर्स, तो हमारी प्राइवेट कंपनी बन गई। लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने मेंबर चाहिए, 7 मेंबर चाहिए, जो मैंने यहाँ पर आपके लिए 7 छोटे छोटे से ग्रुप बनाए हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, पहला डिफरेंस आप ये शो कर सकते हैं। दूसरा डिफरेंस जो है वो हमारे लिए है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अगर हम प्राइवेट कंपनी में आते हैं तो प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3 चाहिए, देखो सॉरी प्राइवेट कंपनी एटलीस्ट 2 मेंबर्स तो डायरेक्टर्स होने चाहिए और कम से कम 3 डायरेक्टर्स कहाँ होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में होने चाहिए। ओके, तो नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद हम बात करते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आप सभी को पता होगा कि कंपनी जब भी बनती है तो इसको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू होता है, रजिस्टर के यहाँ से कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट इशू होता है। प्राइवेट कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो भी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को जब तक कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। कमिशनमेंट ऑफ सर्टिफिकेट्स के बिना ये कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर देती है या इसके पहले सर्टिफिकेट आने से पहले ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। ओके, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, आप सभी जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज को, पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ट्रांसफर भी कर सकती है, इसको सोल्ड भी कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ना तो सोल्ड कर सकती है और ना ही क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है। ओके, ये डिफरेंस एक आपका मेजर डिफरेंस हो गया। आप देख सकते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग्स, जैसे ही कंपनी के कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट्स आता है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आता है, तो कंपनी को टाइम प्रिस्क्रिप्टेड टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना एक स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना होता है, कॉमन मीटिंग्स बुलाना होता है। इनके लिए कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्टेड टाइम नहीं होता है, इसके लिए प्राइवेट कंपनी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए एक स्पेशल स्टेचुटरी मीटिंग बुलाने के लिए क्या होता है, विद इन अ टाइम ड्यूरेशन जो लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है, उस लॉ के हिसाब से, उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से पब्लिक कंपनी को अपना स्टेचुटरी मीटिंग बुलाना होता है। ठीक है, ऐसे और भी कई तरह के डिफरेंस आपके बीच में हैं, मिल जाएंगे आपको किसी और शो से, पर मेरा ऑब्जेक्ट था आपको इसके बारे में बताना। बच्चों आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है या आपके पास कोई टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस लेक्चर का वीडियो आपके लिए बना सकूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।